मैं दावत सुखन दूंगा डॉक्टर रेहान अख्तर कासमी साहब को कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलिमात से अपने कलिमात फैज़ और गुमान से सामईन को मुस्तफीद और मुस्तनीद फरमाएं। आपके सामने डॉक्टर रेहान अख्तर कासमी साहब, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ थियोलॉजी। डाइस पर बैठे हुए वकार मिल्लत सैयद सिकंदर हैदर बरकाती दामत बरकातुल आलिया खानवान खान कह बरकातिया के चश्मो चराग सैयद ज़ुल्फ़िकार हैदर खान कह बरकातिया के रूहानी मुस्तकबिल अजीज़म सैयद इम्तियाज हैदर प्रोफेसर अकबर हुसैन साहब, प्रोफेसर सैयद ज़ैनुद्दीन साहब और नेशनल सेमिनार के रूहे रवा प्रोफेसर सैयद जमालुद्दीन साहब, ख्वातीन व हज़रात सामने बैठे हुए हिंदुस्तान के रोशन मुस्तकबिल, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं समझता हूँ कि गुफ्तगू जो है मौजू के हवाले से असर हाजिर में समाजी और आयली ज़िंदगी में इंतशारों और बहरान की कैफियत, मसाइल और हल, इस पूरे सेमिनार का लोबे लबाब अगर नतीजा निकाला जाए तो मैं समझता हूँ कि रुबीना फ़ख्र का जो मकाला, जो गुफ्तगू थी, यही इस बहरानी कैफियत से निकलने का एक बाहिस जरिया है। बहुत अच्छी गुफ्तगू और उन इश्यूज़ को उन्होंने रेज किया जो मुस्लिम उम्मते मुस्लिमा के सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज है। आप ये देखिए कि आज फैमिली सिस्टम इस्लाम के खानदानी निज़ाम पर और आयली निज़ाम पर जिस तेजी के साथ फिस्ताई जो ताकतें हैं वो यलगार कर रही हैं, उसी तेजी के साथ हमारे जो स्कॉलर्स हैं, हमारे जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो आलिम दीन हैं, जो फजलाए मदारिस हैं, जो खानकाहें हैं, जो मदारिस हैं, ये उन इश्यूज को अपने मिल्लत के सामने हर मुमकिन कोशिश करके रखते हैं कि हमारा दीन, हमारा निज़ाम, हमारा उसूल, हमारा कुरान, हमारी हदीस और सहाबा इकराम और सहाबियात की तर्ज जिंदगी हम ये कल भी आइडियल थी और रहती दुनिया तक आइडियल रहेगी। हमारा उम्मान है कि फेमिनिज्म की सदाए इंकलाब ने हुकूक़ निस्वा और आज़ादी निस्वा की बाज़गश्त, वक़ार मिल्लत ने जो बात कही कि 8 मार्च को वेमेंस डे है और वेमेंस डे और फेमिनिज्म को लेके, औरतों के हकूक की बाज़याफ्त को लेके तेजी के साथ ये इनकलाब बर्पा करने की कोशिश की जा रही है कि अगर सबसे ज्यादा औरतों के हुकूक को पामाल किया गया, उन पर डांटे डाले गए तो इस्लाम में डाले। ये बिल्कुल अभी रिसेंटली जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो पसे पर्दा पसे पुश जो स्कीमें जो प्लानिंग चल रही हैं, इसका अंदाजा न सामीन को है न किसी और को। बहुत ही स्ट्रैटेजिक वे में, बहुत ही प्लानिंग वे में हम लोगों के घर को, खानदान को बिखेरने की पॉलिसियां चल रही हैं। मौलाना मिसबाही साहब ने जिन इश्यूज को उठाया, इर्तिदाद, नौजवान नस्ल में इर्तिदाद का जो एक समंदर ठाटे मारता हुआ नजर आ रहा है, अब उस पर गौर करने की जरूरत है कि वो इर्तिदाद क्यों पेश हो, वो कहां से हमारे घरों में दाखिल हो रहा है। इन तमाम इश्यूज को ये खानकाह बरकातिया पिछले कई सेमिनारों से उठाती रही है। मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं समझता हूं कि लोग लाखों करोड़ों करोड़ों चीजें खर्च करते हैं और एक बार आप इस यहां पर सेमिनार मुनक्किद करके अपने पैगाम को, अपने आबा और अजदाद की रिवायत को जिंदा करते हैं, आप लायक मुबारकबाद। मैं फेमिनिज्म पर 15 पेजेस का मकाला है, 27 हवाले हैं, ना उनको पढ़ा जा सकता है ना उनको सुना जा सकता, लेकिन
फेमिनिज्म के हवाले से कुछ तारीख असबाब वजूहात हुकूक की बाजियाफ्त की लड़ाइयां ये क्यों, उसके वजूहात क्या है, उसके असबाब क्या है, इसकी तारीख क्या है, तो इन चीजों को मैं बस बहुत शॉर्ट में इख्तिसार के साथ आपके सामने पेश करके मैं अपनी जगह लूं। फेमिनिज्म की तहरीक और समाजी असबाब क्या क्या हो सकते हैं, उनमें सबसे पहला सबब जो है वो है वायलेंस, वो है तशद्दुद। तशद्दुद की एक तवील तारीख है। आज के मुहज़्ज़ब माशरे में तशद्दुद मुख्तलिफ शक्लों में मौजूद है। तशद्दुद की सबसे अहम मिसालों में से एक जिंसी तशद्दुद है। इस सूरत में जिंस जिस्मानी ताकत और दीगर अकसाम को मुखालिफ जिंस के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादातर तारीखी अखबार में मर्दाना जिंसी जिंस औरत पर हावी नहीं है। मर्दों और औरतों के दरमियान हमदर्दाना ताल्लुकात के अलावा तसल्लुत पसंदाना और तसल्लुत पसंद ताल्लुकात के सबूत के बहुत से वाकयात हैं जिनमें ख्वातीन को जुल्म और ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है। उसके बाद मैंने इसमें फेमिनिज्म के हवाले से गुफ्तगू की है। फेमिनिज्म की बुनियादें क्या क्या हैं, रेडिकल फेमिनिज्म है, सोशल फेमिनिज्म है, पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म है और उसके बाद इस्लामी फेमिनिज्म की बात आज उठ रही है। मैं इस्लामी फेमिनिज्म से अपनी बात को खत्म करूंगा। वो ये है कि इस्लामी फेमिनिज्म इस्लामी ममालिक में एक नया रुझान है। उनका ख्याल है कि निस्वा की एक तशरीह पेश करना मुमकिन नहीं है। इलाकाई हालात और मुख्तलिफ कौमों की सकाफती खसूसियात की वजह से फेमिनिज्म का एक वर्जन पेश करना नामुमकिन है। लिहाजा उनकी कोशिश है कि फेमिनिज्म को इस तरह पेश किया जाए जो मजहबी आयत से मुताबिकत रखता हो और फेमिनिज्म के उसूलों पर मबनी हो। उनका यह दावा है कि फेमिनिज्म की तालीमात इस्लाम से मुताबिकत रखती हैं और इस्लाम को फेमिनिज्म के नुक्ते नजर से पढ़ा और तशरीह किया जा सकता है। इस्लामी फेमिनिज्म पर बुनियादी इतराज ये है कि मगरबी दुनिया में हुकूक निस्वा की तहरीक तमाम तर रुझान के साथ बुनियादी तौर पर माशरे से मगरबी उसूलों को अलग करने के नतीजे में उभरी। अगर इस्लामी फेमिनिज्म का नजरिया इस्लाम की तशरीहात का बाइस बनता है तो मजहब की नाकाबिल तरदीद उसूलों को तर्क करना जरूरी होगा। लिहाजा इस्लामी फेमिनिज्म का लफ्ज मगरबी तसव्वुर को महफूज रखते हुए एक मुतजाद लफ्ज है। नतीजा क्या है कि फेमिनिज्म की तहरीक को असर हाजिर की अहम तहरीकों में से एक करार दिया जाता है जो ख्वातीन के हुकूक के हुसूल के लिए उभरी है और ख्वातीन के बारे में इम्तियाजी सुलूक के खात्मे की मुतालबा करती है। हुकूक निस्वा की तहरीक दर हकीकत फेमिनिस्टी फिक्र और नजरिए के अहया के दर पर है और फेमिनिस्टी फिक्र और नजरिया अपनी नजरियाती बुनियादों से माकूस है। फेमिनिज्म लिबरलिज्म मार्क्सिज्म और बाद जदीदियत को फेमिनिज्म के नजरियाती बुनियादों के तौर पर समझा जाता है। फेमिनिज्म का दावा है कि पूरी तारीख में ख्वातीन पर जुल्म हुआ और उनके हुकूक पामाल हुए, इसलिए ख्वातीन को जिंदगी के तमाम शोबों में मर्दों के बराबर होना चाहिए। फेमिनिज्म के नारे में दरअसल एक सवाल है। कोई मकतबे फिक्र ख्वातीन के हुकूक का दावा नहीं करता और सिर्फ फेमिनिज्म ख्वातीन के हुकूक का दावा करता। फेमिनिज्म की बुनियादों पर गौर करने से यह नतीजा अक्स किया जा सकता है कि फेमिनिज्म जिन बुनियादों पर ख्वातीन के हुकूक का दावा करता है वो असूल औरत की बहसियत इंसान इज्जत से हम आहंग नहीं है और मुस्लिम ममालिक में फेमिनिज्म इस्लामी तालीमात पर हमला है और इस्लामी कानून को इम्तियाजी तसव्वुर करता है। गर्ज़े आखिरी बात को मैं बयान करके मैं अपनी जगह लूंगा कि औरत को हुकूक मिलने चाहिए लेकिन उन हुदूद व क़यूद के साथ जो इल्हामी अध्ययन की असली तालीमात में मौजूद है। बहस इस बात पर होनी चाहिए कि औरत को दिए जाने वाले हुकूक के सिलसिले में जो कानून बनाए गए उन पर अमल दरामद हो रहा है कि नहीं। मगरबी ममालिक के आदाद शुमार तो हमें ये बताते हैं कि हुकूक की जंग वहां औरत आज भी लड़ रही है। फिर जिन ग्रोहों का आगाज
आवाज में जिक्र किया गया कि औरत की आबादी के हवाले से तंग नजर अफराद भी हैं और जरूरत से ज्यादा रोशन ख्याल भी, क्या ये नहीं हो सकता कि एक दरमियानी रास्ता निकाल लिया जाए जिससे औरत को हकूक भी मिल जाए और वो बेजा आबादी से भी बच जाए। इसके लिए वेमेन एम्पावरमेंट की नई फिक्र मुआशरे में मुतारफ करवाने की जरूरत है और जो इस्लाम के नजरिए तवाज़ुन पर मबनी है। वमा अलैहि अल्लाह।